रब से सोना इश्क। साहिबा जी मेरी बात सुनिए, साहिबा जी एक मिनट प्लीज सुनिए ना, साहिबा जी प्लीज रोइए मत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जितने मुंह उतनी बातें, इन सब लोगों की अपनी जिंदगी नहीं है जो सिर्फ हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। किस किस को चुप कराएंगे आप दलजीत जी, जिस रिश्ते का नाम नहीं होता ना उसके बारे में लोग बुरी बातें ही करते हैं। मैं अभी चक्कर इन सब लोगों को क्या करेंगे आप, मारेंगे उन्हें, जबरदस्ती उनका मुंह बंद कराएंगे, और सबसे क्या होगा दलजीत जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो दलजीत जी, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते। साहिबा जी मैं आपसे बस दलजीत जी आगे एक शब्द भी नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। साहिबा जी क्या माँ ने फिर से आपसे कुछ कहा? कल उसका जन्मदिन है, अगर तू चाहे तो तू उसे एक कार दे सकती है, खुशियों से भर। उन्होंने मुझे आपका जवाब लाने को कहा है। तो उनसे कहिएगा मेरा जवाब ना है और ना ही रहेगा। किस चीज का? वो चाहती हैं कि आप और मैं शादी कर लें। क्या? माँ घर आई थी शादी की बात करने के लिए, और उन्होंने ये सब बात सारे घर वालों के सामने की, ये कहा कि आपको और मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दलजीत जी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप घर आना, उनकी मदद करना, उनका बेटा बनना सब बंद कर दें। प्लीज मुझे गलत मत समझिए दलजीत जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है और आप ये सब मेरी परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक जिंदगी है दलजीत जी, और मुझ पे एहसान करने के लिए या मुझ पे तरस खा के आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपकी जिंदगी में मलिका है, और आपको तो कोई और लड़की बहुत आराम से मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता दलजीत जी, ऐसा नहीं हो सकता। रणबीर, रणबीर तुम सईद है, तुम रणबीर हो, चेतन नहीं हो। आई वॉज रॉन्ग, यू वर राइट। उठो देखो तुम्हारी साहिबा, मैं मिली हूँ साहिबा से। हाँ मैंने साहिबा को देखा, तुम चेतन नहीं हो, तुम रणबीर हो, याद करो। साहिबा मैंने देखा, मैं तो चेतन चेतन को जा रहा हूँ। साहिबा जी आपको लगता है कि मैं जो कुछ आपके लिए कर रहा हूँ वो आप पर तरस खा कर रहा हूँ? दलजीत जी मैं वो ही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और एक बात और साहिबा जी, मैं हमेशा आपका साथ देता रहूंगा, चाहे आप मेरे साथ रहना चाहे या नहीं। तुम चेतन नहीं हो, याद करने की कोशिश करो, तुम रणबीर हो, चेतन पुजारा नहीं हो। मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आई, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, मैंने तुम्हें फंसाया ना, मैं निकालूंगी, चलो। चेतन, चेतन पुजारा, तुम चेतन नहीं हो, रणबीर हो। आपको याद है उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है, मैं चाबी लेके आई हूँ छुपा के। चलो रणबीर, रणबीर चलो, रणबीर उठो, रणबीर उठो, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। डॉक्टर नित्या आप वापस कैसे? वो इनका इलाज करने के लिए आई थी मैं, इनका इलाज अधूरा छोड़ गई थी, फिर मुझे लगा कि ऐसे इलाज अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गई। तो इसे कहाँ ले जा रही? इसका फाइनल टेस्ट बाकी है,
तो मैं इसे लॉन में ले जा रही हूँ फाइनल टेस्ट के लिए। माफ करना मैडम, बिना परमिशन के आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। परमिशन? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, परमिशन मुझे मिल गई है। डॉक्टर भाटिया के पास वो फाइल रखी है, वो अंदर है, जाओ वहाँ से ले आओ। और तुम हेड ऑफिस जाओ जरा, वो वहाँ पे भी परमिशन लेटर है, तुम वो ले आओ और तुम भाटिया को बुला के ले आओ। ठीक है। रणवीर अब क्या करने लगे तुम? चलो ना, तभी तुम्हारी साहिबा के पास ले चलती। ये हे भगवान, कैसी हालत कर दी इसकी। चलो साहिबा जी, आपकी अगली अपॉइंटमेंट लेके मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? ध्यान रखिए। साहिबा जी रुकिए। मैं कभी तूने हमें नोटिस नहीं दिया, अब भाई तूने सारे घर वालों के सामने सामने से नोटिस दिया है तो हमारी फैमिली की तरफ से तो हाँ है। पर पुत्र जी, जिनकी वो कुड़ी है उनकी रजामंदी भी तो होनी चाहिए ना। जीवन में फिर से रंग भर जाएंगे बेटे। साहिबा, Oh,
साहिबा जी, मैं जानता हूं कि अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, है ना? एक बार पहले भी आपने अपने परिवार की खुशी के लिए शादी की थी, तो सब लोग इसी तरह खुश थे। लेकिन क्या आप खुश थी साहिबा जी? मैं जानता हूं कि आपका जवाब हाँ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो प्लीज एक बार इसे एक बार ना बोल दो। कन्हैया जी, आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दे दी, मैं आपका ये एहसान। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं समझी जी, वो क्या है कि मैं ना रणवीर को लेके बड़ा प्राउड फील करता था। मुझे लगता था कि मेरे रणवीर जैसा स्मार्ट डैशी पूरे पिंड में कोई नहीं। मैं चाहता था कि वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन बने, पर अब तो सब खत्म हो गया जी। लेकिन एक बात समझ आ गई कि दुनिया में औलाद से बढ़ के उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं। साहिबा पुत्र रणवीर की अमानत है, अगर मैं इसकी अमानत को खुश रखूंगा तो रणवीर की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया कभी, पर इतना तो मैं कर सकता हूं कि इस फैसले से खुश है ना? तो करेगी ना शादी? सर मैं झूठ थोड़ी ही बोलूंगा, आपने ही तो परमिशन दी। अरे मैंने परमिशन कब दी, काहे बोलो? देखो डॉक्टर नित्या के साथ अपनी रिपोर्ट 4 दिन पहले ही सबमिट कर दी। कहाँ गए हो सब? यहाँ नहीं है साला, भाग गए, ढूंढो। चलो जल्दी चलो रणबीर। बैठो अंदर, जल्दी बैठो। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं तुम्हारी साहिबा के पास। और छाड़ पुत्र, तू तो खुद को भी नहीं ठीक से पाल सकती, बच्चे को। बच्चों को हमेशा अपनी माँ की जरूरत होती है, समझी तू? क्योंकि माँ जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता भाभी। माँ, मैं साहिबा जी का जवाब लेकर आया हूँ, उन्होंने हाँ कहा है। अच्छी। ओ जी सुनो जी, ओ सा सच्ची, और रब दी सो। अरे रब्बा, तो फिर चल, कल ही हम लोग शगुन लेके चलते हैं, ठीक है? और शगुन क्या, कल ही तेरा रोका भी कर लेते हैं। अरे पुत्र, तेरे जन्मदिन पे इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है पता मेरे। माँ, उसने तूने कहा था ना कि माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखने के लिए सब कुछ करते हैं। तू मुझे जितना प्यार करती है ना,
शायद कोई नहीं कर पाएगा। कुछ बताएगा मेरे को बात क्या है? अल्लाह मैं तो भूल ही गई। और जी सुनो, ये सुनो, और छेती करो इतने आ जाओ जल्दी। सुन तू चुप रह, ओ आ जाओ तो सही। अरे ओ जी लाओ। हाँ बताती हूँ बताती हूँ। साहिबा ने ना दलजीत के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। क्या क्या बात है? कमाल कर दिता यार, कमाल है। कंग्रेचुलेशन। देख भैया तेले भी नहीं चाहती आ जाएगी है ना? दलजीत कंग्रेचुलेशंस। साहिबा वो पुत्र है, देख अच्छा रहेगा ना ये सगाई के लिए है ना परजाई जी? देखो परजाई जी, आप तो मुझसे भी बहुत अच्छी माँ साबित हुई साहिबा के लिए। मैं ना दीप के पापा जी से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि आप और प्राजी ही साहिबा को विदा करें। माँ जी, मम्मी, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी बहुत फिक्र है। आप नहीं चाहते कि ये बच्चा मैं अकेले पालूं, और आपकी इच्छा के लिए ही मैं शादी भी कर रही हूँ। वरना मैं ही जानती हूँ कि कितना अजीब लग रहा है इस हालत में ऐसे शादी करना। अरे ऐसा ना सोच पुत्र, मेरा रणवीर हमेशा हम सबके साथ ही तो है। और पुत्र मुझे तो पूरा यकीन है वो भी यही चाहता होगा कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अपने मन पे ना ये बोझ मत ले, ठीक है पुत्र? अच्छा जी, मुझे विदा क्या कर दिया? ये रोना धोना मेरे बिना कैसे? पागल, तेरे बिना कुछ हो सकता है? आ जा। कैसे बजाय जी? ठीक हो? आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? बस तुम अच्छी। अच्छा अब ऐसा है कि बाहर की तैयारियाँ ना आप लोग कर लो, और ये अंदर वाली तैयारी मैं कर लूंगी, मैं इसे तैयार करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। हाँ जी, कितनी बार बाबा जी से मैंने मांगा होगा ना पूछे कि मेरी शादी दलजीत जी से करा दे, लेकिन इस तरह होगी, इन हालातों में होगी, कभी नहीं सोचा। पागल, ऐसे क्यों सोच रही है? ऐसा सोचना कि तू कितनी खुशनसीब है कि तेरा व्याह उससे हो रहा है जो तुझसे इतना प्यार करता है साहिबा। और जहाँ प्यार होता है ना वहाँ बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। सच्ची साहिबा, तू खुश होने से डर रही है ना? आपको कैसे पता? मुझे पता है, मेरे साथ भी तो यही हुआ था जब हैरी जी वापस आए थे, याद है? मैं कितनी डरी हुई थी, तब तूने ही तो मुझसे कहा था कि बूजी डरो मत, क्योंकि ये खुशी आपके हक की है। और जब बाबा जी खुद आके बढ़कर आपकी झोली में ये खुशी डाल रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हो? आपको तो दोनों हाथों से उस खुशी को इतना कस के पकड़ना चाहिए कि कभी कोई छीन ही ना पाए, याद है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कहा था, तूने मुझे ये कहा था कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ब्याह में क्या पहनना है ये भी जरूरी नहीं होता। लेकिन जो मैंने कहा वो भी तो गलत नहीं है ना? नहीं ना? रणवीर, रणवीर आई ओके ना? हम चल रहे हैं रणवीर, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, भरोसा रखो। रब से